हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SBG स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। अगर आप चाहते हो कि आप इंडियन आर्मी में जाएं, वो भी एक ऑफिसर लाइन से आप जाएं, और आपने NDA का एग्ज़ाम दिया होगा, अगर आप NDA के एग्ज़ाम में आप जैसे भी हुआ होगा, अगर आप चाहते हो कि आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो वो भी एक ऑफिसर लाइन से, तो आपके लिए एक और जो यहाँ पे एंट्री है वो निकलती है, वो है +2 टेक्निकल एंट्री, TES, टेक्निकल एंट्री स्कीम, कोर्स 41 यहाँ पे निकला है। तो ये इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर लाइन से जाने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आपने NDA का एग्ज़ाम दिया होगा, ऐसा ही यही एग्ज़ाम है। इसमें क्या है, इसमें आपको मिलता है डायरेक्ट आप SSB के लिए जाएंगे, आपको डायरेक्ट SSB के लिए जाना है। यहाँ पे ना आपका कोई रिटर्न होगा, ना आपका यहाँ पे कुछ और होगा, आपको जाना है डायरेक्ट, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर अनमेरिड मेल कैंडिडेट हु हैव पास्ड +2 एग्जामिनेशन विद PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि +2 आप पास होने चाहिए, और +2 में भी आपको कितना, मतलब +2 में भी आपको PCM से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी में देखते हैं नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में कहता है ये ए कैंडिडेट मस्ट बी अनमेरिड मेल एंड मस्ट आइदर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भूटान, नेपाल, तिब्बत एंड ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या है, अगर आप नेपाल से हो, इंडिया से हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद एज लिमिट क्या है, एज लिमिट है यहाँ पे, एज लिमिट है 16.5, 16.5 से 19.5 साल तक आप इसमें भर सकते हो। तो एंड नॉट बी बॉर्न बॉर्न 1 जनवरी 2000, ठीक है, एंड नॉट आफ्टर 1 जनवरी 2003 से बाद में नहीं होने चाहिए, और इससे पहले का नहीं, ठीक है। इन भी इनके बीच में आपको होना चाहिए, 1 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2003 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। यहाँ पे और आपका उसके बाद देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास +2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट टू अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 70% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। क्या है, आपको जो 70% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए, तभी आपका जो कॉल लेटर है वो आएगा, आप इंटरव्यू में आगे जा सकते हो, SSB के लिए आप जा सकते हो। तो आपको PCM में कम से भी कम 70% आपको +2 में चाहिए होंगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर कैलकुलेटिंग PCM परसेंटेज इन वेरियस स्टेट सेंट्रल बोर्ड, मतलब आपकी जो भी है, जिस भी बोर्ड से हो आप, उससे मेडिकल, मेडिकल में यहाँ पे कैंडिडेट गुड फिजिकल एंड मेंटल है, एंड यहाँ पे आपको मिनिमम हाइट जो आपको दी हुई है, आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, लेस आपकी 5 सेंटीमीटर पर नीचे यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो और यहाँ पे कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन डिबेड फ्रॉम अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ UPSC, मतलब UPSC से आपको ना देने दिया गया हो, ऐसी नहीं हो इसमें। अब देखते हैं इसके बाद टोटल वैकेंसीज, अब इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो 90 वैकेंसी है इसमें। जैसे कि आपने NDA में देखी है 250 है, 290 है, ऐसी वैकेंसी होती है NDA में, और इसमें 90 है। तो आप अगर देखो ऑफिशियल लाइन से जा रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे सीरियस वो है कि 90 वैकेंसी कम वैकेंसीज यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ कमीशन, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर ऑफ कोर्स, ये जो आपकी ट्रेनिंग होगी 4 ईयर ऑफ कोर्स, कैडेट विल बी ग्रांटेड परमिशन इन आर्मी इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। तो आपको आपकी जैसे ही 4 ईयर ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन होगा आपका कोर्स का, तो आपको जो यहाँ पर रैंक है वो रैंक दे दी जाएगी लेफ्टिनेंट की, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट की रैंक आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। उसके बाद आपको है टोटल ट्रेनिंग विल बी ऑफ 5 ईयर, 5 साल की आपको ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी, 5 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 ईयर ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमिक गया, एंड टेक्निकल ट्रेनिंग यहाँ पे होगी फेज 1 एंड फेज 2 में। फेज 1 में जो होगी 3 साल की होगी, ठीक है, और फेज 2 में होगी 1 ईयर की। तो 1 साल यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, टोटल 5 ईयर की आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको दिया हुआ है 8700 के करीब करीब आपको पर वीक यहाँ पे मिलेगा एज अ ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग पे होंगे। उसके बाद आपको रैंक ऑन कमीशन, जब आप आ जाओगे तो आप लेफ्टिनेंट की, जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग खत्म करोगे तो आप लेफ्टिनेंट पहुँच जाओगे। उसके बाद 2 साल अगर अपनी कंप्लीट किया तो कैप्टन, उसके बाद 6 साल किया मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, तो आप ऐसे आपकी जो रैंकिंग है वो बढ़ती जाएगी।
उसके बाद आप यहाँ पे इसका पे देख सकते हो, पे अगर आप लेफ्ट लेंट में जाते हो तो 5600 टू 1,77,000, ओ 56,000 टू 1,77,500,000 यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो, जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी उस हिसाब से भी आपका आगे जो पे है वो आपका होता जाएगा। उसके बाद ये आपकी जो अलग से जो आपके मिलते हैं खर्चा वगैरह, आपकी क्वालिफिकेशन ग्रैंड, ये आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। हाउ टू एप्लीकेट, अब आप अप्लाई कैसे करोगे, आप अप्लाई कैसे करोगे, तो आपको जाना है यहाँ पे सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे जाना है। आपको सिर्फ इसका जो फॉर्म है एप्लीकेशन, वो आपको ऑनलाइन मिलेगा, और आपको वेबसाइट पे जाना है www.joinindiaarmy.nic.in पे आपको जाना है, और उसके बाद आपको जो भी भर देना है, आपका जो भी डाटा है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेने हैं यहाँ से, शॉर्टलिस्ट फॉर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशंस है वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, और आपका इसके जो मैं लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो परमानेंट बॉडी टैटूज उनके बारे में भी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके पढ़ ले। तो आई होप आपको जो ये वीडियो है आपको कुछ ना कुछ आपके काम आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी कुछ इससे हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आप जो इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरोगे। आपको जाना है ज्वाइन इंडिया आर्मी की वेबसाइट पे, आपको उसकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कुछ ऐसा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे होगा होम इंडियन आर्मी, लाइफ इन आर्मी, ऐसे आपको इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिसर सेलेक्शंस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई, पहले आपको क्या करना है, एक अपना अकाउंट यहाँ पे बना लेना है। अकाउंट आप जैसे ही बना लोगे तो उसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन डालना है, उसके बाद अपनी आप डाल लोगे ऑफिशियल एंट्री, अप्लाई और लॉगिन आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे इसमें जाओगे तो आप अंदर जाके आप अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।